दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं बजाज की डोमिनर 250 सीसी की। दोस्तों इस बाइक की लुक काफ़ी मिलता जुलता 400 सीसी की तरह रखा गया डोमिनार की तरह। तो दोस्तों इसमें ऐसा इसलिए रखा गया ताकि जो डोमिनार का शॉकिंग था ज़्यादा महंगा बजट पड़ता था, तो आप कम बजट में ले सकते हैं डोमिनार। आपको 400 सीसी का ही डोमिनार की फीलिंग मिलने वाली है। तब दोस्तों इसमें फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो आपको इसमें स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है, डबल चैनल ABS देखने को मिलता है। तो दोस्तों फीचर्स भी ठीक ठाक मिल जाता है। आपको लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है। दोस्तों जैसे कि आप लंबे राइडिंग के लिए चल रहे हैं तो आपको 250-300 किलोमीटर अगर लगातार चलते हैं तो इसमें इंजन गर्म होने का खतरा नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। तो इसमें लिक्विड कूल इंजन मिल जाता तो एक अच्छी बात है। साइलेंसर की बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं स्पोर्टी लुक दिया गया है, आपको स्पोर्टी फील मिलने वाला है, तो साइलेंसर की लुक देख सकते हैं। दोस्तों अगर इंजन की बात करते हैं तो इंजन आपको मिल जाता है 248.77 सीसी का इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक 4 वाल लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है। दोस्तों ये बाइक आपको फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलता है जो कि BSS कंप्लाइंट है। पावर की बात करते हैं दोस्तों इसमें पावर निकालेगी 27 PS की 85 RPM पे और टॉर्क निकालेगी 23.5 Nm 65 RPM पे। तो दोस्तों 250 सीसी बाइक में आपको अच्छा खासा पावर और पिकअप देखने को मिल जाता है। इसकी टॉप स्पीड भी अच्छी रहने वाली है और इनिशियल पिकअप भी ठीक ठाक रहने वाली है। गियर इसमें आपको 6 मिल जाते हैं। दोस्तों इस बाइक में आपको किक नहीं मिलेगा, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट देखने को मिलेगा। वैसे भी दोस्तों महंगे बाइकों में या बड़ी बाइकों में किक देखने को नहीं मिलता है। हेडलैम्प दोस्तों आपको फुल LED देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसमें 2 पायलट लैम्प भी दिया गया है जो कि फुल LED वो भी है। मीटर कंसोल दोस्तों आपको फुल LED देखने को मिल जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे कि फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, घड़ी, क्लॉक, जो भी है दोस्तों सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सस्पेंशन की बात करते हैं दोस्तों, सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन आगे देखने को मिलेगा और 135 mm का ट्रेवल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो सस्पेंशन अप डाउन जो होती है नीचे ऊपर, तो आपको 135 mm का स्पेस देखने को मिलेगा ताकि आप लंबे राइडिंग के लिए भी कंफर्ट चला सकें। रियर सस्पेंशन आपको दोस्तों मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक विथ नाइट्रो गैस सस्पेंशन देखने को मिलता है। ब्रेक की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको इसमें 300 mm का फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है और पीछे 230 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है और डबल चैनल ABS आता है दोस्तों। तो आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलने वाली है, डिस्क साइज भी अच्छा खासा इसमें बड़ा देखने को मिल जाता है। फ्रंट टायर आपको 180/70 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है और पीछे का टायर 130/70/17 ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। दोस्तों टायर भी अच्छा खासा इसमें चौड़ा देखने को मिल जाता है ताकि ये रोड स्टेबिलिटी अच्छी मिलने वाली है। डायमेंशन की बात कर लेते हो दोस्तों, डायमेंशन आपको लंबाई मिल जाती है 2156 mm, चौड़ाई मिल जाती है 836 mm और हाइट मिल जाती है 1112 mm। तो दोस्तों लंबाई चौड़ाई भी ठीक ठाक मिल जाती है ताकि रोड पर आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे और व्हील बेस भी ठीक ठाक मिल जाती है 1453 mm। तो दोस्तों व्हील बेस भी ठीक ठाक मिल जाता है ताकि रोड पर आप स्टेबल रह सकें। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 157 mm मिल जाता है और गाड़ी का वजन 180 kg है। पेट्रोल टैंक आपको 13 लीटर को मिलेगा। दोस्तों अगर यहीं माइलेज की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये 30+ माइलेज मिलने वाली है इस बाइक में। दोस्तों वैसे भी बजाज की बाइक में माइलेज ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं, माइलेज के लिए जानी जाती है। दोस्तों कलर ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको 2 कलर मिलते हैं, ब्लैक और रेड। प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, आपको एक शोरूम प्राइस पड़ने वाली है मुंबई की 1,60,000 रुपये। अगर ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो लगभग 1,95,000 से लेकर 2,00,000 रुपये तक ही पड़ सकती है। और दोस्तों अगर यहीं पे अगर कंपेयर करूँ यामा की R15 और KTM RC की, तो दोस्तों उसमें आपको पावर पिकअप भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। दोस्तों वो भी आपको पड़ जाती है 1,80,000 से लेकर 1,85,000 तक। KTM RC आपको लगभग पड़ जाएगी 1,90,000 तक। तो दोस्तों इसमें पावर पिकअप भी काफ़ी देखने को मिलता है आपको, लगभग आपको देखने को मिलता है 18.6 PS की पावर देखने को मिलता है। यामा R15 में टॉर्क देखने को मिलता है 14 Nm का लगभग टॉर्क देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर उस हिसाब से कंपेयर करें तो आपको इसमें अच्छा खासा पावर पिकअप और ठीक ठाक प्राइस में देखने को मिल जाता है। दोस्तों कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने पैसे में आप बजाज डोमिनार पावर पिकअप ठीक ठाक मिल जाता है, 27 PS की पावर और 23.5 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ये बजाज डोमिनार ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाता है इस प्राइस में। दोस्तों इस वीडियो में पूरी कोशिश किया हूँ इस बाइक की जो भी फीचर्स मिलते हैं, जो भी इस बाइक में हमें जानकारी मिली उसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।